खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। शनिवार को नशा उन्मूलन महिला समिति की केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी देवी के आवासीय कार्यालय कच्ची बलिहारी में ईगल इंफ्रा एवं इंगलित दीप कंपनी के विरोध प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी देवी ने बताया कि पिछले दिनों भागाबांध ओपी क्षेत्र एवं पुटकी क्षेत्र पीबी एरिया संचालित ईगल इंफ्रा एवं इंगल दीप कंपनी, जो भागाबांध 17 नंबर इंक्लाइन अंडरग्राउंड माइंस कोयला उत्खनन का कार्य को चालू किया है, उसके पूर्व में मेरे समिति के द्वारा कई बार अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर पीबी एरिया महाप्रबंधक से पत्राचार के द्वारा वार्ता के लिए समय मांगा, परंतु नहीं मिला। इसके एवज में पीबी एरिया महाप्रबंधक के कार्यालय के पास शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना दिया है, मगर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। दिनांक 19/2/2024 को भागाबांध 17 नंबर इंक्लाइन में ईगलदीप कंपनी बिना किसी वार्ता के काम चालू किए। मेरे समिति के द्वारा कंपनी का विरोध किया कि पहले वार्ता करे तब काम चालू करे, लेकिन कंपनी और प्रबंधन के द्वारा हमारे ऊपर झूठा केस मुकदमा कर दिया और मैं सुंदरी देवी इन कंपनी के गिदर धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं न्यायालय में गई और न्यायालय के द्वारा मुझे बाइज्जत बेल दे दिया गया। मैं बहुत ही जल्द अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कंपनी का चक्का जाम करूंगी। इसकी सारी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन एवं कंपनी की होगी। प्रेस वार्ता में हारू बावरी, मनोज चौहान, जैक्सन उरांव, धर्मेंद्र उरांव, नीलकमल उरांव, आशा यादव, कल्पना देवी, सुनीता देवी, रूमा देवी, सबिया खातून, सीता देवी व अन्य समिति व ग्रामीण सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थे। आज दिनांक 2/3/2024 को मैं प्रेस वार्ता इसलिए कर रही हूँ कि आज कुछ दिन पहले की बात है कि हम मेरा नशानमुन महिला समिति के द्वारा पीबी एरिया महाप्रबंधक जी को मैं 31/3/2023 को लेटर दे चुकी हूँ, 11/4/2023 को भी लेटर दे चुकी हूँ, 5/2/2023 को भी दे चुकी हूँ, और उसके बाद फिर मैं 8/5/2023 में भी हम एक दिवस धरना भी दिए हैं पीबी एरिया प्रबंधक कार्यालय के द्वार में, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी हमसे वार्ता के लिए मतलब सक्षम नहीं हो रही है। तो आखिर कहने का मतलब है कंपनी का यहाँ मन बढ़ल है, और आज फिर जा करके हम फिर 19/2/2023 को फिर मैं जा करके भागाबांध 17 नंबर इंक्लाइन में जब काम चालू हुआ तो वहां मैं उनको बोली कि वार्ता करने के बाद ही आप काम चालू कीजिए। उस वक्त भी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा और झूठा केस करके हमको केस मेरा ऊपर कर दिए हैं कि हम रंगदारी मांग रहे हैं। तो उच्च न्यायालय से आज झूठा आरोप के माध्यम से आज हमको केस बेल मिला है कल, और ये जो कंपनी अपना मनमानी कर रही है न्यायालय से हमको धनबाद न्यायालय से धनबाद कोर्ट से आज हमको कल हमको बेल मिला है, और उस माध्यम से आज मैं कंपनी को यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि आज कंपनी अपना मनमानी कर रही है। मैं पुनः इनका जो है पुरजोर फिर विरोध करूंगी और चक्का जाम करूंगी, और ये इनका कंपनी के गिदर भक्ति से मैं डरने वाली नहीं हूं, और फिर से हम अपना चक्का जाम के लिए हम फिर धरना अपना तैयारी मेरा हो चुका है, धरना का प्रदर्शन हम लोग फिर से शुरू करूंगी। और यहाँ बहुत सारे जो कंपनी के जो दलाल हैं वो हमको मतलब आप फोन द्वारा आपका आदमी द्वारा मतलब धमकी दिया जा रहा है कि आप शांत रहिए, नहीं तो फिर आपका साथ क्या होगा आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह हमको धमकी भी मिल रहा है, और नाम खुलासा करेंगे कि कौन देखिए ये तो है एक दूसरे का माध्यम से बोला जा रहा है कि ज्यादा मतलब ग्रामीण का प्रति ज्यादा ये उत्सुक हो रही है, तो इसको जब नहीं रखेंगे तो फिर ये आंदोलन कैसे करेगी। आपकी मांग क्या? हम लोग का 8 सूत्री मांग है, 75% ये भी कॉपी हम लोग का है, यहाँ पर 8 सूत्री मांग है। अच्छा, कॉपी कहाँ है? कॉपी भी है यहाँ पर हम लोग। जैसे मेरा कहना था कि पिछले बार एक रैयत की जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, क्या आज वो रैयत आपके साथ यहाँ है मौजूद?
रैयत, देखिए रैयत को भी इतना डराया था हम, कहे कि देखिए हम जिस समय काम करने के लिए वहां मना करने के लिए गए कि ठीक है जो भी रैयत का है, आज मैं उल्लेख की हूँ अपना आवेदन में कि जो रैयत यहाँ का है, जो विस्थापित यहाँ का है, उनको नियोजन और मुआवजा दोनों मिले। इस कंपनी का दावा है कि जो रैयत है, जो वहाँ के प्रभावित है, उनको नियोजन और उनको उचित मुआवजा दिया जा रहा है। बीच के लोग इसमें आकर के अपना करना नहीं, ठीक है आप एक व दो को ग्रामीण को अपना पक्ष में ले लीजिएगा, दबंगगिरी से कीजिएगा। उस दिन जो घटना घटी है वहाँ तो ग्रामीण ने मार खाया, जमीन वाला ही मार खाया। उसके बाद अगर गुंडा पहुंचा करके घर में जाके आप दबाव बना करके अगर आप जमीन हड़प सकते हैं, लेकिन पूरा ग्रामीण को आप अपना बस में नहीं कर सकते हैं। तो मैं ग्रामीण का लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या आपके साथ ग्रामीण तैयार है इस लड़ाई के लिए? हाँ, एकदम ग्रामीण तैयार है। मेरा भागा बांध है, बलियारी है, आपका केंद्रवाड़ी बस्ती है, यहाँ जो भी ग्रामीण है, हम लोग यहाँ जो भी कंपनी आ रही है यहाँ गांव ग्रामीण का आदमी लगना चाहिए। आज देखिए यहाँ 200-300 आदमी लगा हुआ कंपनी में, गार्ड में। क्या यहाँ का ग्रामीण का अधिकार नहीं है? यहाँ का गार्ड आदमी नहीं लग सकता है जो वो बाहर से लेके आ रहे हैं? आप अपना लिस्ट दिखाइए ना भाई, यहाँ का कितना आदमी आप रखे हैं यहाँ पर कंपनी में? आप ठीक है, आप ग्रामीण को जमीन का जो बदली नौकरी दिए हैं उनको कौन जगह में आप दिए हैं, कौन ई में दिए हैं, वो हम लोग को दिखाइए। एक आदमी 10 आदमी दे देगा, लेकिन पूरा गांव का तो भला ही नहीं ना। अब जब कंपनी बैठा रहे हैं 25 साल का दे रहे हैं उसको, तो कितना आदमी का यहाँ नियोजन दिए? 75% आप दीजिए हम लोग को, जो हम लोग का अधिकार है। कंपनी तो दावा करती है कि हम तो रैयत और जमीन के बदले मुआवजा भी दिए हैं और नौकरी भी दिए। आज यहाँ जमींदार सब कोई नहीं है, बहुत सारा ऐसे है कि उनका जमीन भी नहीं है। तो क्या वो यहाँ का स्थानीय आदमी नहीं हुए? उनका घर द्वार तो यहाँ का स्थानीय नहीं हुए? अब आगे क्या रणनीति? रणनीति हम लोग का चक्का जाम का रहेगा, जबकि एक दिवस धारणा में पीबी एरिया प्रबंधक के कार्यालय के बाहर में दे चुके हैं। अब हम लोग का निर्णय हम लोग तय कर लेंगे, लेटर हम लोग का बन चुका है, एक 2-4 दिन के बाद हम लोग का तय हो गया है। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम है सुंदरी देवी, मैं नशा की केंद्र अध्यक्ष हूँ और ग्रामीण भी हूँ। पीबी एरिया में अपना धरना, पीबी एरिया का चक्का जाम होगा या ईगल कंपनी? ईगल कंपनी का, हाँ ईगल कंपनी का। आज पीबी एरिया के माध्यम से जो ईगल का जो भी जहाँ भी काम हो रहा है, ईगल दीप या ईगल का इफरा का जहाँ भी हो रहा है, वहाँ में हम लोग का ग्रामीण का उनका चक्का जाम करने के लिए हम लोग महिला लोग तैयार हैं, पूरा समिति तैयार है, पूरा ग्रामीण भी तैयार रहेंगे।